घुगुस येथील इंदिरा नगर येथील रहिवासी शोभा थाटे ही पीडित महिला वेकोलीच्या क्वार्टरमध्ये भाड्याने राहत होती. तिच्याकडून 4 वर्षाकरिता नंदकिशोर पाटील या इसमाने 60,000 रुपये घेतले होते. मात्र काही दिवसातच पाटील या इसमाने तिला शिवीगाळ करून क्वार्टर खाली करण्याची धमकी दिली. तसेच नंदकिशोर पाटील याने आपल्या भावाला बोलावून त्या महिलेच्या घरातील सामानसुद्धा फेकून दिले. त्यानंतर वेकोलीच्या कर्मचाऱ्यांनी तिच्या घरातील वीज पाणी बंद केल्याने ही महिला मुलाबाळांसोबत उघड्यावर आली आहे. याची तक्रार पीडित महिलेने घुगुस पोलिसात केली. पोलिसांनी नंदकिशोर पाटील विरुद्ध कलम 504 व 506 अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यानंतर ही पीडित महिलेचे पैसे परत करत नसल्याने तिची मानसिक स्थिती खालावत असून तिच्यावर उपचारसुद्धा सुरू होते. अशातच आता तक्रार मागे घेण्यासाठी तिच्यावर वेकोलीचे काही कर्मचारी व इंटक युनियनच्या नेत्यांकडून दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप पीडित महिलेने केला आहे. नंदकिशोर पाटिल ने 60,000 रुपए लेने के बाद में हमने उनपे केस कर दिए. क्या इन्होंने हमारे पैसे भी हड़प लिए और हमें क्वार्टर में भी नहीं रहने दे रहे. और जब हमने बोले कि हमारा सामान हमें चाहिए तो देने रहे थे डब्ल्यू सेल वाले ने, हमारा लॉक फोड़ के अपना लॉक लगा दिए. और हम जब बोल रहे थे तो बोल रहे क्या हम वो केस वापस लीजिए. तो मैंने पूछी क्या कौन बोल रहा है केस वापस लेने के लिए, तो बोल रहे क्या सादलावार बोल रहे, लक्ष्मण सादलावार बोल रहे क्या केस वापस लूं. मैं ऐसे कैसे सर केस वापस ले लूंगी, क्योंकि मैंने उनको हाथ से अपने 60,000 रुपए दी 4 साल के लिए रहने के लिए. वो लोग 2,500 से किराए से रखते है और वसूली करते है. इसके वजह से मैंने उनको 60,000 रुपए दे दी. क्या महीने की झंझट नहीं रहेंगी, मैं अकेली महिला है, ना मुझे पति है, मेरे 2 बच्चे है. 60,000 अगर मिल गए तो मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है और क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं. लेकिन वो लोग मुझे मेंटली हरेसमेंट कर रहे कि आप केस वापस ले लीजिए, आप केस वापस ले लीजिए. मैं ऐसे कोई केस वापस लेने वाली नहीं हूँ. अगर ये लोग ज्यादा करते होंगे तो मैं सीधा अभी कोर्ट में जाऊंगी और मेरे लिए न्याय मांगूंगी, चाहे वो दिल्ली तक जाना पड़े मैं चली जाऊंगी.